पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में भागीदारी मोर्चा के बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर मुरादाबाद में यूपी के कैबिनेट मंत्री पंचायत राज भूपेंद्र चौधरी से मिले, जिन्होंने लगभग आधा घंटे तक दोनों नेताओं ने एक बंद कमरे में मीटिंग की। मुरादाबाद के सर्किट हाउस में दोनों ही नेताओं ने जब मुलाकात की तो कार्यकर्ताओं की भी आंखें खुली रह गईं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर मुरादाबाद में अपनी पार्टी के नेताओं की समीक्षा बैठक करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर सर्किट हाउस में ही उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह भी मौजूद थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह के द्वारा ओम प्रकाश राजभर से मिलने का निमंत्रण भेजा गया, जिसके बाद खुद ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी से उनके कमरे में जाकर मिले। लगभग आधे घंटे तक उनकी वार्ता चलती रही। योगी के मंत्री से मुलाकात की तस्वीरें राजनीतिक हलकों में हलचल भी पैदा कर सकती हैं, और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ओवैसी राजभर की इस मुलाकात को पसंद करेंगे। देखिए, मैं भी मंत्री था तो ये भी मंत्री थे, मैं उस समय कैबिनेट था तो ये राज्य थे, आज ये कैबिनेट हो गए हैं, और हमारा इनका व्यक्तिगत संबंध था, और उसको अगर राजनीति की दृष्टि से देखेंगे तो योगी जी भी मुलायम सिंह से मिलने जाते हैं, योगी जी भी अखिलेश जी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपके सामने, बीजेपी डूबती हुई नैया है, जिसको मरना है उस पर सवार हो। ओम प्रकाश राजभर को अभी जिंदा रहना है, इस नाते उधर जाने का मन नहीं। इस मीटिंग का ऑब्वियसली क्या मतलब निकालेंगे? देखिए, जो हमने अपनी पार्टी का यहाँ मुरादाबाद मंडल की समीक्षा बैठक बुलाया था, उनको कुछ तौर तरीके बताया हूँ, आगे वो जो अपना संगठन का काम दुरुस्त करेंगे, और जो नेता हैं वो अपना काम संगठन का वहां। मेरा सवाल ये है, आपकी और कैबिनेट मंत्री मीटिंग का ओवरव्यू क्या मतलब निकालेंगे, क्या संदेश गया प्रदेश? नहीं, संदेश तो अब हम तो मिलते रहते हैं, हम तो ब्रजेश पाठक से भी हमारा संबंध है, हमारा केशव मौर्य से भी संबंध है, दिनेश शर्मा से भी संबंध है, कम से कम 3 दर्जन मंत्रियों से हमारा संबंध है, संबंध से क्या मतलब है? ऐसे समय में एक बंद कमरे में मीटिंग किस तरह से? ना वो व्यक्तिगत मुलाकात है अपना, और उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ तो नहीं जा रहा? नहीं, ये तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक मीटिंग के सिलसिले में सर्किट हाउस में था मुरादाबाद में, और वो भी एक अपनी पार्टी के कार्यक्रम के सिलसिले में आए थे। जब उन्हें जानकारी लगी तो मेरे पास वो कमरे कक्ष में आके बैठ के चाय वाय पी कुशल क्षेम पूछा, मुझसे पूछने लगे मुरादाबाद। मैंने कहा मुरादाबाद ही मेरा घर है, मुरादाबाद के रहने वाला हूँ। इसके इस मीटिंग के कोई राजनीतिक अर्थ का कोई मतलब नहीं है, कोई औपचारिकता, और हमारे साथी रहे मंत्रिमंडल में, इस तरह की बैठक हुई, इस तरह का कोई अर्थ इस राजनीतिक इसका माने नहीं है। और उन्होंने अगर कोई इस तरह की बात कही है तो इससे ज़्यादा कष्ट की बात कोई हो नहीं सकती। मेरा कोई इस तरह का राजनीतिक एजेंडा नहीं है, और उनकी लाइन राजनीतिक अलग है, हमारी अलग है। हम भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से दल में काम करते रहे हैं, सरकार का हिस्सा हैं, तो इस तरह का राजनीति कोई हित नहीं, ना इस तरह की राजनीति कोई चर्चा होगी। लंबे समय से भाजपा से साथ वो ही रहे थे, अब बीच में ये तालमेल थोड़े बिगड़े, क्या उसको लेकर भी आपने चर्चा? नहीं, कोई चर्चा नहीं, वो इस तरह की कोई चर्चा राजनीतिक विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। अब मैं सर्किट हाउस में था तो मुझसे मिलने आए, स्वागत सम्मान में मैंने उन्हें चाय पिलाई, इस तरह का कोई राजनीतिक विषय पर कोई चर्चा का कोई मतलब ही नहीं है। मंत्री जी, मैं बॉयलाइट जो हुआ पूरे कल नॉमिनेशन को लेकर, उस पर भी कोई चर्चा की आपने? साहब, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ और पंचायती राज विभाग ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम किए हैं, उन चुनावों में हम चुनावों में गए और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने, प्रदेश की महान जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत चुनावों में अधिकांश हमारे समर्थक लोग निर्वाचित हुए, और उसी का परिणाम है कि प्रत्यक्ष जब चुनाव हुए जिला पंचायतों को, उसमें अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई हैं, और ऐसी क्षेत्र पंचायतों के चुनाव हुए उसमें क्षेत्र पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अधिक प्रत्याशी जीतेंगे। जहाँ तक इस तरह की घटना वायलेंस वाला विषय है, ये समाजवादी पार्टी के लोगों का DNA में है, उनका मूल स्वभाव है, और जब उन्हें लगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में तो वोट होते नहीं, इसमें लिमिटेड वोट होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि किसी को ये एहसास ना हो कि परिणाम किधर जा रहा है, तो
तो वो अपनी हार सुनिश्चित मानते हुए उन्होंने ये अराजकता की है, ना कहीं किस तरह की कोई स्थिति नहीं है। अब आप मुरादाबाद का ही ले लो, मुरादाबाद में 8 ब्लाक हैं, 4 ब्लाकों में चुनाव कल अनापोज हुआ है, इसमें 3 भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्वाचित हुए, 1 समाजवादी पार्टी का, जहां हमारे पास नंबर थे हमारे लोग निर्विरोध हुए, जहां उनके पास नंबर था उनके निर्विरोध हुए। अगर ऐसा था तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कुंदरकी में क्यों निर्विरोध हो गया, हम कैंडिडेट ही खड़ा नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं थे। तो इस तरह उनका ये सत्य जो कथन है निराधार है, और वो अपनी हार को लोकतंत्र में जनता के निर्णय को सबको स्वीकार करना चाहिए, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।